मोदी सरकार ने एसएमपीपी कंपनी को ऐसे 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स के ऑर्डर दिए हैं जिस पर AK-47 से फायरिंग करने पर भी कोई असर नहीं होगा। इसके साथ ही जवानों को एक खास तरह के हेलमेट और फेस प्रोटेक्शन वाइजर भी दिए गए हैं जो AK-47 से होने वाले हमले को भी रोक सकता है। अब दुश्मन जवानों को छू नहीं पाएंगे, ये जवानों के लिए वरदान है। ये भारतीय सेना का अभेद्य कवच है। तस्वीरों में नजर आ रही इस फौलादी स्वदेशी जैकेट को दुश्मनों के लिए भेद पाना नामुमकिन है। AK-47 से फायरिंग करने पर भी इस जैकेट पर कोई असर नहीं होता। सरहद पर बढ़ते तनाव और आतंकी हमलों को देखते हुए लंबे वक्त से भारतीय जवानों को इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स की जरूरत थी। मोदी सरकार ने SMPP कंपनी को ऐसे 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स के ऑर्डर दिए हैं जिसमें अब तक 40,000 जैकेट सेना को सप्लाई किए जा चुके हैं। जो जैकेट्स गवर्नमेंट ने ऑर्डर की हैं, जो हम सप्लाई कर रहे हैं इंडियन आर्मी को, वो उसमें 360 डिग्री की प्रोटेक्शन दी गई है। पूरा ऑलराउंड प्रोटेक्शन जो है एक सोल्जर को दिया गया है। यही नहीं, इन जैकेट्स के साथ जवानों को एक खास तरह के हेलमेट और फेस प्रोटेक्शन वाइजर भी दिए गए हैं जो AK-47 से होने वाले हमले को भी रोक सकता है। ये हेलमेट अब तक के सबसे आधुनिक हेलमेट हैं, क्योंकि दुनिया भर की सेनाओं के जवान जो हेलमेट इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ 9 mm तक की गोली ही बर्दाश्त कर सकते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए भी खास तरह की जैकेट तैयार की गई है जो -20 से -50 डिग्री तक के तापमान को आसानी से सहन करने में सक्षम है। इन जैकेट्स को DRDO के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। इंडियन आर्मी की तरफ से, DRDO की तरफ से हम लोग को स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराई जाती हैं, फिर हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन लेते हैं, बनाते हैं प्रोडक्ट, फिर उसकी काफ़ी सारी जगह हमारी टेस्टिंग्स होती हैं। टेस्टिंग्स इन द सेंस ऐसी नॉर्मल टेस्टिंग्स नहीं होती, उसको करीबन ट्रायल्स होते हैं, 6-6 महीने उसको लग जाते हैं ट्रायल्स में, तब जाके ये अप्रूव होते हैं। बंदूकों से ही नहीं, सेना के लिए न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल अटैक से बचने के लिए भी खास तरह का सूट तैयार किया गया है। ये सूट जवानों को उस एरिया में ऑपरेट करने में मदद करता है जहां ऐसे अटैक हुए हों।